हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे कुछ 7 और अभी अपन निकल चुके हैं और एक ट्रिप के लिए। तो पुणे के पास में बहुत ही एक अच्छा सुंदर एक डेस्टिनेशन है वन डे ट्रिप के लिए, तो अपन आज वहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। एरिया में तो अपन अभी जा रहे हैं सोलापुर हाईवे पे, पुणे सोलापुर हाईवे, और फिर वहाँ से अपन ज्वाइन करेंगे यवत के साइड पे। तो लगभग ये पुणे से 78 किलोमीटर पे होगा। तो गाइस पहुँच गए अपन अभी पुणे कैंप एरिया में। अभी यहाँ से अपन ज्वाइन करेंगे पुणे सोलापुर हाईवे। अभी जस्ट अपन यहाँ पे सिग्नल पे खड़े और पुणे सोलापुर हाईवे ज्वाइन करने के बाद अपन चलेंगे यवत साइड पे। तो यवत में है बुलेश्वर टेम्पल, वो काफ़ी बहुत पुराना शिव जी का मंदिर है और काफ़ी मान्यता भी है उसकी, तो अपन आज वो देखने चलेंगे। सिग्नल्स भी ऐसे खाली मिल रहे हैं, बस 1-2 सेकंड रुकना पड़ रहा है, बाकी तो सब ठीक है। बहुत दिनों के बाद सुबह सुबह निकल रहे कहाँ पर, ऑफिस की वजह से अभी निकलना होता नहीं है, इसलिए मस्त आज सोचा नींद पूरी नहीं हुई है बट निकल गए। ट्रैफिक करके ख़त्म करके अभी अपन पहुंच चुके हैं हाईवे पे, और अभी यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर ही है, लोनी के आसपास है अभी, और कुछ 9 बजने का है। थोड़ा जल्दी आना था बट हो गया लेट, अभी तो ब्रेकफास्ट भी करना है, ढूंढ रहे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ। ऐसे इस रोड पे बहुत सारे ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। अभी अपन ने एक्सप्रेस वे छोड़ के यहाँ पे अंदर एक राइट लिया है और ऐसा सिंगल रोड है, और यहाँ से कुछ 1.5-2.5 किलोमीटर है ये वक्त में आने के बाद बोर्ड दिखता है वहाँ पे भुलेश्वर मंदिर करके ऐसा रोड है। तो अभी यहाँ से जाएंगे अपन आगे, देखते हैं ये रोड कैसा होता है। सीनिक रोड है ये भी, मस्त वाला। गाइस देखो अपन पहुंच गए यहाँ पे, सामने अपना एंट्रेंस दिख रहा है और वो सामने जो दिख रहा है वो मंदिर है, पर मैं आपको दिख रहा है नहीं। और मस्त यहाँ पे ऐसी एंट्रेंस है, सब जगह एकदम झाड़ झाड़ है, सुबह का टाइम है, कोई है भी नहीं यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है एकदम। यहाँ पे कोई नहीं है सुबह, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपना स्कूल एकदम, बस पूरा ईट मार के आ रहे हैं अपन। अभी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मिला नहीं हमें, बट ब्रेकफास्ट पहले ही करना है। और सामने देखो एकदम मस्त वाली झाड़ी है और पूरा क्लीननेस भी है, अच्छे से मेंटेन किया है। ये शायद पांडव युग से है मंदिर, काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और श्रावण महीने में फिर नीचे ही गाड़ी लगा के आपको ऐसे वॉक करके जाना पड़ता है। और ये ऐसा यहाँ पे रोड बना है, यहाँ पे डायरेक्ट गाड़ी ऊपर जाने के लिए, नीचे से पैदल जाने के लिए भी रोड था, बट यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी भी ऊपर जाती है, बट काफ़ी स्टीप चढ़ान है। और सामने वहाँ पे दिख रहा है वो आपको स्टेयर्स है, वहाँ से स्टेयर्स का भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, बट आज तो अपन चल रहे गाड़ी से सीधा ऊपर। देखिए कितना एकदम स्टीप चढ़ान है, गाड़ी भी लोड ले रही है चढ़ने के लिए, और ये पहुँच गए अपन सामने मंदिर पे। चलो अब गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हैं और जाते हैं अपन ऊपर।
पार्क किया है और सामने मंदिर है, तो एकदम मंदिर के आसपास ही गाड़ी आ जाती है। यहाँ से अपन आए पीछे से, यहाँ पे थोड़े से स्टेयर्स है और यहाँ से नीचे से आने के लिए फिर बाकी सब स्टेयर्स है, आना होगा आपको। तो सुबह सुबह ट्रैकिंग के लिए भी अच्छा है, या फिर चप्पल रखने के लिए चप्पल स्टैंड भी है, चलो इसमें चप्पल भी रख देते हैं। बात किया जाए तो यहाँ पूरा एकदम पत्थर के स्टेयर्स है, बहुत पूरा लगता है यहाँ पे कि पांडव काल से मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी मूर्ति भी बनाई है, मूर्ति में यहाँ पे एलिफेंट वगैरह भी है। ऊपर से पूरा नजारा दिख रहा है, आवाज भी सुनता होगा। तो चलो गाइस यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत स्टेयर्स है, स्टेयर्स से ऊपर जाके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसा सब कुछ जो कंस्ट्रक्शन है पूरा पत्थरों से बना गया है, थोड़ा भी सीमेंट का यूज नहीं है। ऊपर भी देखिए पूरे नक्शे काम की होगी। और यहाँ पे मेरे पीछे दिख रहे नंदी भगवान जी का मूर्ति। चलो आगे चलो आगे देखते हैं। और ये देखिए मेरे साइड में यहाँ पे भूलेश्वर महाराज निद्रा कक्ष है, क्या एकदम सुंदर यहाँ पे मूर्ति रखी गई है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही अपने को दिख गया ये शिव जी का त्रिशूल। तो गाइस यहाँ से दर्शन तो कर लिया अपन ने, चलो अभी आगे देखते हैं और क्या है। काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी शांत मंदिर है। मंदिर में दर्शन लेके अपन अभी यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे देखते हो कितनी सारी मूर्ति बनाई है, काफ़ी मस्त। महाकाल भैरव सर्व विघ्न नाशाय रीम क्लीम फट स्वाहा, हा त्या भैरवचा मंत्र। ये जो अंकल थे वो यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, यहाँ पे वो गाइड थे और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई अपने को। वो जो मंत्र उन्होंने बताया वो मंत्र था महाकालेश्वर भैरव जी को खुश करने का मंत्र था। और ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो बहुत सारी मूर्तियाँ है वो सिर्फ ऐसी रैंडम मूर्तियाँ नहीं है, बल्कि उस ज़माने की जो देवी और देवता थी उनकी मूर्तियाँ थी। ये मंदिर जो गाइस इतना अच्छा दिख रहा है वो 16वीं सदी में डिस्ट्रॉय किया गया था पूरा, और 17वीं सदी में फिर जो पेशवे के गुरु थे ब्रह्मेंद्र स्वामी, उन्होंने वापस ये मंदिर को निर्माण किया गया था।
तो ये मंदिर हमें मंदिर की हर एक मूर्ति हमें एक कहानी बताती है, चाहे वो दर्पण वाली महिला हो या मृदंगम या सजावट की आकृतियाँ या भिक्षु धारण करने वाली चामुंडा देवी। वही टूटी फूटी तस्वीरें जो है वो हमें मुगलों और मराठों के बीच हुई लड़ाइयों की पीड़ा के बारे में बताती है। तो गाइस यहाँ पे और एक मान्यता कही जाती है कि जैसे आप मंदिर में पेड़े या केले के प्रसाद का भोग लगाते हो तो उसमें से कुछ प्रसाद भगवान जी ग्रहण कर लेते हैं, कुछ ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी भी ये कह रहे थे। पीछे एकदम मस्त वाला नज़ारा दिख रहा है सुबह सुबह का, तो काफ़ी अच्छा मंदिर है। पुणे से पास में है, मुझे भी इतने दिन पता नहीं था, बट जब मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे देखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको अगर आर्ट और कल्चर्स पसंद हो तो आपको डेफिनेटली आना पड़ेगा। हड़प्पा से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में ही है। मस्त यहाँ से सुबह सुबह हवा चल रही है एकदम, और डॉगी भैया सो रहे। हेलो, हाय, फ्रंट साइड है जहाँ से अपन अंदर गए थे और उस साइड से अपन बाहर आए थे। और कुछ यहाँ पे भी बड़ा सा पेड़ है और छोटे छोटे मंदिर है वहाँ पे भी। और यहाँ से वापस हमें नीचे जाना है अपने गाड़ी की तरफ, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आधा एक आध घंटा आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। सुबह सुबह आके पूरा एक्सप्लोर करके जा सकते हो वापस। और ये साइड का सेक्शन है, ये शायद उस टाइम के घर टाइप बना है ऐसे। फिलहाल तो लॉक है दरवाज़ों पे, बट पूरा यहाँ पे जो कुछ भी है वो पुराने ज़माने का ही। यहाँ पे कुछ नया एडिशन नहीं किया है, एकदम बस मेंटेन किया है। और शायद यहाँ पे भंडारा भी होता है वीकेंड्स पे और मंडे को। अरे पीछे और मंदिर, जैसे कि मैं बोल रहा था, घर जैसा ही है पुराना। अरे बड़ा सा पेड़ जो ऊपर से दिख रहा था हमें। चलो गाइस अपन घूम के आ चुके हैं, मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है आपको। और अभी यहाँ से अपन जाते हैं वापस पार्किंग में। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नई जगह को लेके, तब तक के लिए एंजॉय, बाय।